तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और पीएम मोदी से जवाब मांगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत चीन तनाव पर सदन में चर्चा हो, ये मोदी बयान जारी करें। और भाई आपको ये भी बता देते हैं कि ओवैसी संसद में तवांग पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। 9 दिसंबर को चीन की साजिश नाकाम। आपको ये भी बता दें कि भारत ने एक बार फिर से चीन की साजिश को नाकाम कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगत्से इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई और ये चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस झड़प में दोनों ही सेनाओं के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इसी बीच उस जगह के सैटेलाइट फोटो भी सामने आए हैं। यहाँ भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और सैटेलाइट फोटो में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने तवांग से लगी सीमा के पास गांव भी बसा रखे हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने उस ओर सड़क का भी निर्माण कर रखा है। घटना 9 दिसंबर की है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ यांगत्से इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कंटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए और बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की। भिड़ंत में दोनों ओर के सैनिक, भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। ममता चतुर्वेदी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। ममता, सबसे पहले तो हम पूरे मामले की अपडेट ले लेते हैं और बाद में बताइए कि स्थगन प्रस्ताव जो ओवैसी पेश करने वाले हैं उसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तवांग में ये पूरा हादसा हुआ है, चीनी सैनिकों ने अपना को अंजाम देने की कोशिश की है, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया है। और चलिए ममता, कुछ टेक्निकल इश्यूज की आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं कि जो 9 दिसंबर के दिन ये तस्वीरें सामने आई, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पे पानी तो फेर दिया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। तवांग पर ओवैसी संसद में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस लगातार यही मांग कर रहे कि पीएम मोदी इस पर बयान जारी करें, चर्चा हो इस पर। तो भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है, कुछ तस्वीरें भी उस वक्त की आई हैं। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। सत्य रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हम पहले भी इस तरह की तस्वीरें देख चुके हैं, चीनी सैनिकों की नापाक हरकत भी हमने पहले देखी है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, 9 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है। और अगर हम इसका असर जानने की कोशिश करें, पहले तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए और क्या असर रहने वाला है सुरक्षा पर, ये हम आपसे जानेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को, और चीन ने भी किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस समस्या का रेजोल्यूशन हुआ, कि जैसा कि जो तय जो मैकेनिज्म है कि इस तरीके की घटनाओं को किस तरीके से रोकना है, उसके अनुसार हुआ और ये कोई बहुत आगे घटना को बढ़ने नहीं दिया गया। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने न केवल उस पूरे इलाके में बल्कि पूरी सीमा पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था। उस दौरान अगर आप देखें 9 दिसंबर के करीब करीब सिक्किम से लेके अरुणाचल की पूरी सीमा पर भारतीय सेना का जो डिप्लॉयमेंट था वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे चला गया था। और इसके पीछे कारण यही था, सारी छुट्टियां जो हैं भारतीय सेनाओं की कैंसिल कर दी गई थी। तो एक जो प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस की जो स्टेट थी उसको भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काफी बढ़ा दिया था और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं चीन या भारत कोई भी युद्ध करना चाहता है। ऐसा लगता है कि चीन की जो सेनाएं थी वो टेस्ट कर रही थी वाटर्स की, भारत की
तैयारी किस तरीके की है कि क्या हम इस तरीके की घटनाएं करें तो उसका क्या असर होगा। और एक चीज हमें जैसे पश्चिमी सीमाओं में स्थिति है उसी तरह काफी हद तक पूर्वी सीमाओं में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिलिनिएशन है ना तो नक्शे पे हुआ हुआ है और ना ही डिमार्केशन जमीन पर हुआ है। अधिकांश जगह पे भारतीय सीमाएं जो सेनाएं जो हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड करती हैं, उन्होंने अपना सशस्त्र सेनाओं का एक पोजीशन बना रखा है, लेकिन जिन जगहों पर कोई भी सेना परमानेंटली लोकेटेड नहीं है वहां कई बार इस तरीके की झड़प होने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि होती हैं, लेकिन संभावनाएं हैं क्योंकि सामान्यतः सीमा से काफी दूर रहती है, वो कभी कभी बीच में आते हैं और जो आते हैं वो सैनिक कई बार नए होते हैं, कई पुराने होते हैं और वो अपनी समझ के अनुसार अपने क्षेत्र में आते हैं और जिसका भारतीय सेना वाजिब रूप से विरोध करती है कि भाई आप हमारी सीमा के आसपास नहीं आ सकते। और वही यहाँ हुआ और उसमें जो झड़प हुई उसकी हम तस्वीरें देख रहे थे और जिस तरीके से इसका समाधान हुआ वो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जिस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बाद में जो उच्च नेतृत्व है उसने जिस तरीके से इस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और दोनों ने मिलकर इसका रेजोल्यूशन कर लिया वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही उपयुक्त कदम था। आलोक जी, तवांग की जो सीमा बताई जा रही है उससे चीन ने कुछ गांव भी बसा रखे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को खतरा हो सकता है भविष्य की अगर बात की जाए। ये तो भारतीय सेना की काबिलियत को उनके मंसूबों पर बार बार पानी फेर दिया जाता है क्योंकि इतनी सशक्त हो चुकी है हमारी सेना कि हर तरीके का जवाब देना जानती है, लेकिन आगे किस तरह की रणनीति के साथ चला जाए जो ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, क्योंकि चीनी सैनिक उनको समझाया तो जाता है लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ने दायरे में रहना चाहिए। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो चीन की शुरू से ही सन 50 से कोशिश रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों को बसाया जाए, लेकिन जो लोग हैं वो वहां बसने तो उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं कि उनको घर बना के दिए जाते हैं, ये सब किया जाता है। इसके बावजूद इन इलाकों से काफी बड़ी संख्या में जो लोग बसाए गए थे वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं, तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा जो समाधान होगा वो यही जभी होगा जब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कम से कम एक सेक्टर बाई सेक्टर डिलिनिएट कर दें कि भाई पश्चिम में अगर समस्या है एक बार पूर्व में हम सेक्टर डिलिनिएट कर दें बिना किसी के क्लेम को कॉम्प्रोमाइज किए, अगर हम ये कह सकें कि हाँ हमारी सीमा यहाँ तक है आपकी सीमा यहाँ तक है, तो एक बहुत बड़ा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और मेरे ख्याल से इस तरीके की जो समस्याएं हम देख रहे हैं वो भी कम होती चली जाएंगी। यहाँ एक चीज और समझिए, जो चीनी सैनिक होते हैं वो भारतीय सैनिकों जितने अच्छे प्रशिक्षित नहीं होते क्योंकि अधिकतर कॉन्स्क्रिप्ट्स होते हैं और वो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं और उनका जो प्रशिक्षण के जो कमांडर्स हैं वो काफी 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 समय के लिए रहते हैं, लेकिन सैनिकों के जो प्रशिक्षण का जो लेवल है या जो उनकी सैनिक कार्यवाही करने की जो क्षमता है वो थोड़ा कुछ हद तक सीमित होती है। तो कुल मिलाकर रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल गोविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। कैसे देखते हैं आपको भारत की तरफ से ये जो जवाब दिया गया है काबिले तारीफ है, लेकिन आखिर किस से सबक सिखाया जाए? हम बात कर रहे थे इसी पर कि कैसे आखिर चीनी सैनिकों को रोका जाए क्योंकि लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जो सीमा है उनसे लगाकर गांव भी बसाए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट तस्वीर आई है, अब ऐसे में क्या कुछ किया जाए कि चीनी सैनिकों को रोक दिया जाए? देखिए कोमल जी, इसमें जो मेरी राय है कि वहां पर गांव जैसे बसाने की या पीपल बसाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें हमारे तरफ है और जो इस बार जो हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखा है, हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं, ये चीजें जो है ना शायद पीएलए को, चाइनीज पीएलए को पता नहीं थी और वो अचानक इस तरीके आने की कोशिश किए कि ये तो ऐसे ही बैठे होंगे, हम चल करके इस चीज को कवर कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से गलवान के बाद में भारतीय सेना ने अपने आप को तैयारी करके हमें प्रिपेयरनेस के जैसे कि ग्लेशियर में और बाकी भी जगह बॉर्डर पर तैयार करके रखो, इस तरीके से इस एरिया में भी भारत ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत और तैयारी करके रखा हुआ है। और इस बार की घटना ने शायद जो है ना चाइना को बहुत सालों तक के लिए जो है ना एक सबक दिया है कि फिर वो इस तरीके से कोशिश ना करें। और जो भी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है हमें ये पता है कि हमारी भारतीय फौज इतना सक्षम है और इतना इस तरीके से मनोबल
तगड़ा है और इस तरीके से इनको जो है ना एक बोलते हैं कि भावना है कि हम अपनी जमीन पर एक इंच भी, चाहे वो उधर से गांव बसाएं, हम अपनी जमीन में एक इंच भी किसी को आने नहीं देंगे। और इस बात की जो है ना गवाही आप ये पिछले जो 9 दिसंबर को घटना हुई है इससे ले सकते हैं इसका एग्जांपल। लेकिन गोविंद जी, हम आखिर इसको कैसे समझे कि सीमाओं के पास गांव बसाए जा रहे हैं जबकि वहां के लोग वहां रहना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती गांव बसवाए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है? बेसिकली जो गांव बसाने के उद्देश्य यही होता है कि भारत इससे आगे ना बढ़े और उस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर जो है उस गांव की जो है ना फोटो और तस्वीर को जो है ना कभी दिखा सके कि हमारे गांव यहां तक थे। लेकिन अगर वो अपने एरिया में गांव बसा रहे हैं तो उसे हम लोगों को भी कोई लंप्स नहीं होनी चाहिए। चलिए गोविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। आलोक जी, हम बात करें चीन की तरफ से जो गांव बसाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा प्रशिक्षण उठाकर नहीं दिया जाता है कि किसी भी तरीके के, अगर हम रणनीति और इस प्रशिक्षण को कनेक्ट करना चाहें तो कैसे? आलोक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आलोक जी शायद हमारे साथ कुछ वक्त के बाद जुड़ेंगे। ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता बनी हुई है। ममता, संसद में स्थगन प्रस्ताव को लेकर आपसे जानकारी लेंगे, ये जो मामला चल रहा है इसकर सियासत भी तेज हो गई है, पूरी जानकारी लेंगे। सैनिकों ने हमला किया है, भारतीय सैनिकों पर खबर है। हालांकि सेना की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि मामूली चोटें आई हैं। हालांकि चीनी सैनिकों को भी भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर राज्यसभा में चर्चा में आना। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी संसद में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है और ओवैसी का ये कहना है कि जब ये घटना 9 दिसंबर को हुआ था तो आखिरकार 2 दिन से लगातार संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से बताया क्यों नहीं गया, देश के सामने ये तस्वीरें साफ क्यों नहीं की गई कि इस तरीके की घटना चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ तवांग के बॉर्डर पर एलएसी पर अंजाम दिया है। तो आज इस संसद के दोनों ही सत्रों में हंगामा होने के आसार हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ओवैसी के बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर, कि ओवैसी का कहना कि स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से जो ये कहा जा रहा लगातार कि इस पर चर्चा हो और पीएम मोदी इस पर बयान जारी करें, क्या कुछ इसको लेकर सामने आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि हर हालात पे हम देश के साथ, लेकिन सरकार को इस तरीके की घटनाओं का पूरे तरीके से जवाब देंगे। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से ये मांग किया गया है कि इस पूरे मुद्दे पर संसद के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की जैसी मैं बात कर रही थी कोमल, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम 9 दिसंबर सामने आया तो 12 दिसंबर तक मीडिया के जरिए देश के लोगों को पता चला कि तवांग के बॉर्डर पर इस तरीके की वारदात को चीनी सैनिकों द्वारा अंजाम दिया गया है। तो अभी तक सरकार की जनता के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा, तमाम जो राजनीतिक दल है उनके साथ सरकार की तरफ से साझा क्यों नहीं किया गया? अगर मीडिया में ये बात नहीं आती तो शायद राजनीतिक दल और देश की जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इस बात को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी मसले को लेकर आज वो लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस लाने वाले हैं जिसके जरिए वो सरकार से संसद के पटल पर। चलिए ममता, ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार ताज़ा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई तवांग में, मामले में राजनीति भी चरम पर है। और हालांकि आपको बता दें संसद में जिस तरह से कहा जा रहा कि इस पर बयान जारी किया जाए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा कि पीएम मोदी इस पर बयान जारी करें और इस पर चर्चा करें,